चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के दुरुस्तीकरण को लेकर प्रशासन लगातार एक्टिव है। लगातार वाहनों को कुछ देर के लिए रोककर यहां से खतरे हटाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल यानी शनिवार को 6 मील के पास चट्टानों को तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग की जाएगी, जिसके चलते सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक 3 से 4 बार थोड़े थोड़े समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक को रोका जाएगा। इसकी जानकारी एएसपी मंडी सागर चंद्र, एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर समेत एनएचएआई के अधिकारियों ने दी। संयुक्त रूप से किए गए निरीक्षण के बाद साझा की। बता दें कि आज यानी शुक्रवार को अभी 11 से 12 बजे तक 1 घंटे के लिए ट्रैफिक को रोककर खतरे वाली जगह को दुरुस्त करने का काम किया गया। एएसपी अब फैसला लिया गया कि जो चट्टाने जहां पड़ी हैं उसे वहीं पर ही ब्लास्टिंग कर तोड़ा जाएगा, लिहाजा ब्लास्टिंग के समय गाड़ियों को रोका जाएगा। आज अभी जो 1 घंटे का ब्लॉकेज लिया गया था उसमें कोशिश की गई थी रैंप बनाने की, तो ये स्पॉट आप देख रहे हैं कि अभी दोबारा विजिट किया गया तो इस स्पॉट पे वो रैंप बनना संभव नहीं हो पाया। कुछ एक क्लियर किया गया था उसे 1 घंटे में, लेकिन अभी ये एसडीएम मंडी और हमारे साथ और ये एनएचआई के कंसल्टेंट ये भी अभी आए थे और केएमसी के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग भी हैं। तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि जो बड़ी भारी रॉक्स हैं पहले इनको जो है ब्लास्ट करके तोड़ा जाए और उसको क्लियर किया जाए, उसके बाद ये साइट जो है रोड की जो विड्थ है थोड़ी बढ़ाई जाएगी और उसके बाद फिर जो आगे का काम जो है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है तो ये काम जो है वो युद्ध स्तर पर किया जाएगा आने वाले 1-2 दिनों में। लेकिन आज कुछ ज्यादा काम इसमें नहीं हो पाया है, लेकिन कल और कल रात को जो है काफी काम जो है इसमें किया जाएगा और इस साइट को जो है पूर्णतया क्लियर कर दिया जाएगा 3-4 दिन के अंदर, ऐसा अभी प्लान किया गया। बता दें कि बीती 25 जून को 6 मील के पास भीषण भूस्खलन के कारण पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा था, जिसमें ये बड़ी बड़ी चट्टाने सड़क पर आ गई थी। करीब 22 घंटों के बाद हाईवे को बहाल तो कर दिया गया था, लेकिन इन चट्टानों को हटाना शेष रह गया था और इस काम को करने में पुलिस प्रशासन एनएचएआई को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पंजाब केसरी के लिए पंडो से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल डॉट केसरी।